तराई क्षेत्र जवा स्थित शीतला माता के अंदर मंदिर में 51 मीटर की चुनरी भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। प्रेरणा जन कल्याण समिति द्वारा मां कालरात्रि शीतला देवी को 51 मीटर की लंबी चुनरी कलश यात्रा एवं चुनरी यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शिव मंदिर ग्राम नगमा से प्रारंभ होकर मां शीतला देवी मंदिर में अर्पण की गई। चुनरी यात्रा की संयोजक एवं प्रेरणा जन कल्याण समिति अध्यक्ष जिला पंचायत सहडोल उपाध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी ने सामूहिक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए सभी ग्रामवासियों को आभार प्रकट करते हुए माता से सबके सुख संबंधी के लिए प्रार्थना की। आयोजन के संरक्षक रमाशंकर मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा भी शामिल हुए। मां शीतला देवी मंदिर प्रांगण में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंतर्गत कलश एवं चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए संदीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज का जो ये हमारा आयोजन था, प्रेरणा जन कल्याण समिति हमेशा से ही धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को करती रही है और आज उसी तारंभ में ये हमारे समिति की तीसरी चुनरी यात्रा थी, जिसको भव्य बनाने के लिए ग्राम नगमा से, ग्राम सितलाहा से, ग्राम खरपटा से, गाढ़ा से, गुलरिया, कटांगी, गोहटा, लूक, मतलब क्षेत्र के ज़्यादातर गांव के लोग और भक्त यहां पर सम्मिलित हुए हैं, जिसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मेरे एक बुलावे पर यहां पर पहुंचकर माता के चरणों में चुनरी अर्पित करवाने में जो सहयोग और समय दिया है, उसके लिए मैं सभी की तहे दिल से आभारी हूँ। बिल्कुल हो सकती हैं, बस उसमें चाहिए लोगों का सहयोग और सहयोग देने में हमारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। सब बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, जिसके लिए मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।